दोस्तों, मैं नसीता गाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। किन्नौर में सबसे ज़्यादा BSNL नेटवर्क बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बंद चालू हो रहा है, इससे BSNL नेटवर्क के तरफ ना किसी आला अधिकारी की नज़र है, ना कोई नेता इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि इस नेटवर्क की वजह से बहुत सारे शेतकरी किसान लोग BSNL नेट चलाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसी नेट की वजह से शैक्षणिक ऑनलाइन ले रहे हैं और इस नेटवर्क की वजह से बैंक बंद है, क्योंकि BSNL नेटवर्क की वजह से हर कोई परेशान है। BSNL नेटवर्क सभी कार्यालय ऑफिस में मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का काम बंद है। रजिस्ट्री ऑफिस इसी नेटवर्क की वजह से जुड़ी है। SBI बैंक, ग्रामीण बैंक, बुल्ढाना, कैनरा बैंक, बहुत सारे जो कार्यालय है सरकारी इसी BSNL नेटवर्क की वजह से जुड़े हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ BSNL नेटवर्क बंद होने की वजह से कोई काम ऑफिस का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान है। BSNL नेटवर्क की कर्मचारी जो है वो बिल्कुल भी बेपरवाह होते जा रहे हैं, काम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने BSNL कार्यालय ऑफिस जाकर BSNL के जो तालुका ऑफिसर है रवि कुमार, इनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल भी जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ नहीं है। आप इस वीडियो में पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, इनके कर्मचारी क्या कहते हैं। BSNL जो नेट है बहुत ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना, 5 दिन, 10 दिन बंद ही होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होकर BSNL से पोर्ट करके अन्य नेटवर्क में जा रहे हैं। देखिए इनकी पूरी रिपोर्ट। ऑफिस के पास रजिस्ट्री नहीं हो रही, 4 औरतें है, 6 आदमी है, दूसरे हम हकरा लोग परेशान है, 11 लोग। किस लिए? रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री के लिए, रजिस्ट्री के लिए। और कौन सा नेट आपको? BSNL नेट बंद रह रहा। बंद रह रहा, चालू नहीं है। ये यहाँ वायर टूटा, वहाँ वायर टूटा बोल रहे लोग। ये मारे गाँव नीचे का। अच्छा, नीचे के मारे गाँव से आए हम। हाँ, खेत की रजिस्ट्री है वो 3 दिन से नहीं चल रहा नेट। 3 दिन नहीं, ज्यादा हो नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, फिर भी हाँ। तीन दिन से हम भूखे हैं। वहाँ कैसा करना, फेरने का काम है, खेत में काम करना क्या आना। सही है, सही। काश्तकार लोग के क्या दिन आए, आप काम करने के दिन आए सब। इनका नेट नहीं है, ये दवा खाने में आदमी इनका एडमिट है। इनका खेत लिया मैं, उसको पैसे देने के, रजिस्ट्री होने के बाद ही पैसे देंगे, कैसे देंगे पैसे। सही। तुम्हारा नाम बोलो। नंदू बाबा राव जादव, लक्कड़ को। अच्छा, नहीं नहीं चालू क्या, तुम अब जमा कर लो, जब फाइनल करके आगा मैं। अच्छा,
तो क्या तकलीफ हो रही थी आपको? ये तकलीफ बाहर के जो फोन आ रहे मेरे इसके ऊपर, हाँ, रेगुलर जो फोन आते वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अच्छा, फोन ही बंद रहने से नहीं आ रहे। उधर जिसके पास नंबर दिया वाले उन्हें बम मार रहे। ऐसा क्या? ये नंबर दिएगा ही वो, मोबाइल का नंबर दो, मोबाइल का नंबर दिए तो परेशान करते फिर ज्यादा। अच्छा, ये नंबर भी परेशान नहीं करते, ज्यादा बिल आता बोल के। लाइन लाइट फोन बंद ही रहा ना, तो एक दिन आधा घंटा लेट नहीं करता हूँ, जैसा मैसेज आया इसके पास आ जाता हूँ छत्तीस दिन भाई के पास। कोई भी उठा नहीं रहे, नहीं उठा रहे, दूसरे ऑफिसर को लगाओ, कर्मचारी को लगाओ यहाँ जो काम कर रहे हैं। नहीं रहता उधर, वो जंगल में काम करते, कहीं पर भी लगता नहीं उनका नंबर। तुम्हारे बड़े साहब को लगाओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उनको ही लगाया ना अभी, जो डी है उनको लगाया मैंने, काम करने वाले। बोलो अभी बोलो। हाँ नहीं, आपको अपने जबान में बोलने का नहीं, ऐसा वो आदमी क्या क्या होता है। हमारे यहाँ दो लोगों को बिना कारण के बंद कर दिया था। फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना, अभी पूछ रहा हूँ ना, इसलिए तुम काम कर रहे हो उनको ये बता दो। क्या बता दो? से संपादक शेख अतीफ। हाँ बोलिए, बोलिए ना सर। आपके अंडर वो आता है नहीं आता है जो हद है वो हिमायत नगर की? है ना, मेरी टीम है ना वहाँ पे साइड पे काम कर रही ना। नहीं तो आप बोल रहे ना, आप बोल रहे कि इनको साइड पे जाओ बोल के, तो इसलिए पूछ रहे कि इनके अंडर में है कि आपके अंडर में है। अंडर में किसी के नहीं है, वो उनके अंडर में भी हो किनोट जल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। हाँ, तो मैं क्या, मैं थर्ड पार्टी हूँ, गवर्नमेंट का आदमी हूँ, मेरे पास टेंडर अलॉटमेंट है उसका। अच्छा, हाँ हाँ, तो मेरे आदमी दो दिन से काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये साहब लोग वहाँ बैठ के खाली मेरे को पूछते रहेंगे क्या चल रहा है। अच्छा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकते, ये साहब लोगों के पास शेतकरी आए वाले, वकील साहब आए वाले, यहाँ पर मौलाना आए वाले, इसलिए आपको पूछ रहे है कि इनो सुने सुनिए पहले सुनिए राजेश बिल्लावर, उनका नंबर है। अच्छा, अगर मेरे से अच्छा इन्फॉर्मेशन वो बंदा दे सकता है तुमको। अच्छा, आधे घंटे से उसका नंबर नहीं लग रहा है, उसका नंबर उठा रहा नहीं बोल रहे वो, तो मैं बोला उठा रहा नहीं, नहीं कल से फोन कर रहा, फोन करते अभी तुम आए बोल के इनो फोन करे, मेरे पास वाहनों लेके कॉल आते हैं, गुप्ती के आते, जलदरा के आते, मोहपुर के आते, बराबर अभी टाइम। अच्छा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन रही थी तो। अच्छा ये बोलिए, आज हो जाएगा क्या? नहीं ये पूछिए, पूछ रहे बता नहीं सकते, पाइपलाइन में किसान के पाइपलाइन में केबल कटे वाला है। अच्छा, कट करके भुजा दिया है। अच्छा, अभी उसको पाइप जैसे भी लगाना है तो उसके पाइपलाइन टूट सकती है, अभी मैन्युअली ट्राई कर रहे हैं, नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बताओ ना उनको। ठीक है, वही पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए वाले हैं। आए हो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आए वाले हैं, आपको जवाब देना आपको काम है सर, हमारा। लेकिन इन लोग पॉइंट नहीं पूछते, इन लोग बाकी का बताते, मेरे पास लोग आए वाले है। अच्छा, आए वाले है जी लोग सर, आप तो गवर्नमेंट के आदमी हो, प्राइवेट है। सही है सही है, मेरे पास एक टीम नहीं है ना, मेरे पास पूरे जिले की टीम को मैं देखते रहता, कॉल करते रहता। अच्छा अच्छा, सही बात है सर आपके। हेलो, नांदेड़ का उसका किसी सीनियर का नंबर दो ना, जो पूरा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का मेन बॉस है। तो सर अभी ये गवर्नमेंट के साथ में इनके पास सबके नंबर है, हम तो प्राइवेट एजेंसी है सर। ओके ओके ओके, नंबर होगा तो दीजिए, थोड़ा हम उनसे बात करते हैं। नहीं कैसा है सर, मेरे पार्टी का मैं बोल सकता हूँ आपको, सीनियरिटी मेरे ऊपर रिप्रेजेंट है, सीनियर उसका नंबर मैं दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात करो इनसे सर से।